हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी रिंगटोन चेंज करनी है, रिंगटोन सेट करनी है फ़ोन की, तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी नोट रिंगटोन से सेट करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। सबसे पहले सेटिंग ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, सिंपली आपको इसमें आ जाना है। जैसे आप इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ मिल जाती है फोन रिंगटोन। फोन रिंगटोन पर जाएंगे, फोन रिंगटोन पर जाने के बाद आप कोई भी रिंगटोन अपने फोन में सेट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। यहां से इस प्रकार से आपको सारी रिंगटोन देखने के लिए मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं और आपके फ़ोन के अंदर ही वाली रिंगटोन सेट हो चुकी है। इस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं, फ़ोन के अंदर रिंगटोन लग चुकी है। साथ ही आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन रिंगटोन को चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर लेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन रिंगटोन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपनी नोटिफिकेशन रिंगटोन को भी सेट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाते हैं, डायल पैड टोन, लॉक स्क्रीन साउंड, चार्जिंग साउंड, टच साउंड, जो भी आपको चाहिए वो सारे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे साउंड को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन साउंड को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।